मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, मंच से समर्थकों के सामने अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इन कंडीशन को भी देख लेंगे, लेकिन मेरे लिए जो मायने रखता है वो है, मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में, चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाकर बैठा। फरवरी में चुनाव है, आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाए, महाराष्ट्र के साथ कराए, तुरंत कराए जाए चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया। नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा। केजरीवाल ने कहा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशन लगाई हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने कंडीशन लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मेरे काम बंद करने की कोशिश की, इन कंडीशन को भी देख ली है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो जमकर वोट देना मेरे पक्ष में। फरवरी में चुनाव है, मेरी मांग की चुनाव तुरंत कराया जाए, नवम्बर में महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराया जाए, नए सीएम का चुनाव अगले 1-2 दिन में कराया जाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि वह भी डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब तक जनता की अदालत से चुनकर ना आ जाएं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, सत्येंद्र जैन, अमानतुल्लाह खान भी जल्दी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैंने जेल में कई किताबें पढ़ी, रामायण गीता। मैं अपने साथ भगत सिंह की जेल डायरी लाया हूँ, भगत सिंह की डायरी भी पढ़ी। इसके पहले सीएम केजरीवाल ने कहा, उनकी छोटी सी पार्टी ने देश की राजनीति बदल दी। जेल में सोचने का वक्त मिला, मैंने जेल से एक ही पत्र लिखा था, वो भी एलजी साहब को। 15 अगस्त था, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सीएम झंडा फहराते हैं। मैंने कहा कि आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाजत दी गई, वो चिट्ठी मुझे वापस कर दी गई और मुझे वार्निंग दी गई कि दूसरी बार अगर चिट्ठी लिखी तो आपको परिवार से भी मुलाकात भी नहीं। केजरीवाल ने कहा, मुझे जेल क्यों भेजा इन्होंने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना, केजरीवाल को तोड़ना। इनका फॉर्मूला है कि पार्टी तोड़ दो, विधायक तोड़ दो, ईडी छापेमारी कर दो। इनको लग रहा था कि केजरीवाल को जेल में डालकर पार्टी तोड़ देंगे। सीएम ने कहा, मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता हूं। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो ये एक एक करके सबको जेल में डालते, क्योंकि इन्होंने सिद्धार्थ मैया, ममता दीदी, पिनाराई विजयन सबके खिलाफ केस कर रखा है। मैंने देश के तमाम मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री रहते हुए आप पर यह कैसे करें तो अपने पद से इस्तीफा मत देना। आज इनके हर षड्यंत्र से मुकाबला करने की ताकत आप में है क्योंकि हम ईमानदार हैं।